नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 8 में सर्वोदय हॉस्पिटल के ठीक सामने। और एक बार कैमरा घुमा दें, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये फरीदाबाद का एक ऐसा अस्पताल अस्तित्व में आया है जो लगातार आप कह लें कि सुविधाओं में बीके अस्पताल से बहुत अच्छा है और जो आपके पैसे में लगभग निशुल्क है। डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र ये यहाँ सेक्टर 8 में शुरू हुआ है। भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित है ये और बहुत बड़ा भवन यहाँ बना है। हमारे साथ राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी हरियाणा और दिल्ली प्रदेश जो हैं उसके संयोजक हैं, महासचिव हैं। राजकुमार क्षेत्रीय महासचिव, क्षेत्रीय महासचिव हैं और उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे इस अस्पताल में लगभग निःशुल्क अस्पताल में कैसी सुविधाएं हैं। जी जी जी, धन्यवाद सौरभ जी। आज हम डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं इस केंद्र में वो मैं आपको यहाँ से दिखाने जा रहा हूँ। एसी के लिए लग रहा है सर? ये एसी के लिए है। ये पूरा भवन जो है पूरा वातानुकूलित एयर कंडीशन है, सेंट्रल एयर कंडीशन हमने बनाया है। और यहाँ पे जो जहाँ हम खड़े हैं ये इसका स्टिल्ड फ्लोर है। यहाँ पे हमने दवाई जिसको फार्मेसी शॉप कहते हैं हम लोग, धन्वंतरी फार्मेसी के नाम से हमने बनाया है। और दवाइयाँ यहाँ पे कम रेट पे, अगर जेनरिक दवाइयाँ और अंग्रेजी दवाइयाँ दोनों दवाइयाँ हम मार्केट से बहुत कम रेट में यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। ये अभी हमने पिछले महीने ही शुरू किया है और धीरे धीरे यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन और जो प्रधानमंत्री की जन औषधि दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी कुछ दिनों में। अब मैं आपको यहाँ से ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको सारी सुविधाओं के बारे में एक बार आपको देखने का मौका मिलेगा और उसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। लिफ्ट से ना जाए, सीढ़ियों से चलें। ये बंद हो जाएगा सर, नेटवर्क नहीं आएगा तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। और फरीदाबाद आप ये समझें, ये जो अस्पताल है ये अस्पताल उन अस्पतालों में आने वाले समय में उन अस्पतालों में शामिल होगा जो अस्पताल इस शहर में एक अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे काम कर रहा है सर ये? सौरभ जी, ये जो केंद्र है सेवा केंद्र, इसको हम अस्पताल नहीं, हम इसको सेवा केंद्र के रूप में मान रहे हैं, सेवा धाम के रूप में मान रहे हैं। और इसीलिए हमने इसका पंचलाइन चैरिटेबल नहीं रखा है, अफोर्डेबल रखा है। अफोर्डेबल, हाँ, अफोर्डेबल का मतलब जिसके पास जितना साधन है उसी साधन के अंदर हम ये सारी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। उसी बीच में अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वहाँ यहाँ से वो पेशेंट वापस नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है, ये ध्यान में रखकर। और एक समाज ऐसा है अपने यहाँ जो वाकई उस वर्ग को हमारे जैसे इस केंद्र की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रख के डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र बनाया गया है। मैं आपको इसकी सुविधाएँ दिखाता हूँ, थोड़ा आइडिया लगेगा हो ना। हाँ, ये रिसेप्शन, ये यहाँ का रिसेप्शन है। तो मरीज यहाँ आए, इस यहाँ पे मरीज आते हैं, प्रॉपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको जहाँ पे भेजने की आवश्यकता है, ओपीडी में या आँखों में या डायलिसिस में, उसको वहाँ पे भेजा जाता है। मैं आपको यहाँ से ग्राउंड लगाता हूँ, अलग अलग सब कमरे बने। डॉक्टर मुकुंद सिंह, रमेश अग्रवाल जी हैं मेडिकल डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अभिषेक आदित्य जी हैं, श्वेता राय जी हैं। ये डेंटल का है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। मोहिनी शर्मा यहाँ हैं, डेंटल सर्जन हैं बीडीएस के लिए जी। डॉक्टर मोहिनी शर्मा जी, मोहिनी जी यहाँ उपलब्ध होती हैं। मोहिनी जी, अभी इसके अलावा भी कहीं होते हैं आप? ये जो यहीं पे अवेलेबल रहता है, 9 से 5 यहीं होते हैं और लोग आ रहे हैं इलाज कराने के लिए जी। तो आप देखें फरीदाबाद, वातानुकूलित भी दिखा दो यार, और आधुनिक मशीनें यहाँ मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद डॉक्टर पंकज सिंह पोसवाल यहाँ हैं, ऑर्थोपेडिक्स,
के लिए जी। आज वैक्सीनेशन का कैंप यहाँ लगाया गया है, तो बीके से यहाँ पूरी टीम आई हुई है और इसके आसपास के सेक्टर के लोग यहाँ आ रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं। वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं और आप देखें फरीदाबाद, ये यहाँ ओपीडीज के लिए है, तो यहाँ एडमिट करने की सुविधा भी है सर? एडमिट करने की सुविधा अभी नहीं है सौरभ जी, ये हमारा अगले साल का प्लान है। हम उससे पहले सब चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, उसके बाद इसकी सुविधाएं देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा पैथलैब है, ये दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ कलेक्शन सेंटर है, कलेक्शन सेंटर है, ये कलेक्शन सेंटर पूरे दिन यहाँ भी मुकेश जी रहते हैं और रजत जी होम कलेक्शन के लिए रहते हैं। सुबह 7 बजे से अपनी सेवाएं देना शुरू करते हैं और 4 बजे तक किसी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें खाली पेट कराना होता है, तो रजत जी जाके वहाँ पे टेस्ट, ब्लड टेस्ट सैंपल लेके आते हैं और उसके हिसाब से फिर आगे होता है। तो ये फैसिलिटी यहाँ है, ये देख सकते हैं। तो ये यहीं इसी लैब से हो जाता है या सर बाहर से भी टेस्ट कराने? बाहर से कराना पड़ता है, बाहर से कराना पड़ता है। ये हमारा और स्टेट ऑफ आर्ट डायलिसिस सेंटर है। अच्छा। हाँ, वो मैं चाहता हूँ उसके बारे में लोगों को जरूर पता रहे। आए तो थोड़ा देखते हैं यहाँ से जी। हाँ। कोई नहीं, ऐसे इतने, ये जो डायलिसिस सेंटर है ये हम लोगों ने 20 बेड का यहाँ पे बनाया है और आपको मैं बता रहा हूँ ये हम सिर्फ 975 रुपए में ये डायलिसिस सेवाएं हम यहाँ पे दे रहे हैं। और जो मशीन आम दूसरे अस्पतालों में तो बहुत ज़्यादा पैसा है। कम से कम 4,000 रुपये आप कहीं भी चले जाए, ये सुविधा उससे कम कहीं नहीं है। और जितने भी आप ये मशीन्स देख रहे हैं ये वो मशीन्स हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में मशीनें लगती हैं। स्टेट ऑफ आर्ट यूनिट हम लोगों ने बनाए, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप देख पा रहे होंगे हाउसकीपिंग, एयर कंडीशनिंग, कहीं भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है। वही सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि जो आप जो सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं वो न्यूनतम पैसे में यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। मैंने बोला कि सुविधाओं में बादशाह खान अस्पताल से बहुत अच्छा है उसके मुकाबले, और पैसे में दूसरे बड़े अस्पतालों से बहुत सस्ता है जी। तो अब मैं आपको 20 एक बार में यहाँ कर सकते हैं। हाँ, एक बार में मतलब इसका ये हुआ कि हम दिन में 60 लोगों को, क्योंकि एक बार डायलिसिस कराने में 4 घंटे लगते हैं और 20 बेड है, और सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे में हम 60 लोगों को यहाँ पे डायलिसिस की सेवा दे सकते हैं। 60 लोगों को यहाँ डायलिसिस की सेवा दी जाती है जी। अभी धीरे धीरे क्योंकि इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। अभी 10 से लेकर 12 लोगों तक को हम यहाँ पे डायलिसिस की सेवा दे पा रहे हैं। और लोगों तक जैसे जैसे ये जाएगा वैसे वैसे जैसे जैसे बढ़ रहा है जी। शुरू हुआ 2-4। ओपीडी के क्या चार्जेस हैं यहाँ पर? ओपीडी में हम लोगों ने 150 रुपये रखा है ओपीडी का चार्जेस, और डायलिसिस का 975 रुपये। और अभी हम आपको ऊपर ले आके दिखाते हैं, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा बना है उसमें बहुत कम रेट में लेटेस्ट मशीन के साथ हमने वो तैयार किया है। प्रयास ये है कि जो भी सेवाएं जो मार्केट में उपलब्ध हैं उससे कम से कम आधे रेट पे ये सारी सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध हों। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सौरभ जी, ये तो है उन लोगों की बात जो संपन्न है जो दे सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनके लिए, जिनके पास इतने भी पैसे नहीं होते, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए पास डायलिसिस के लिए पैसा है या नहीं है। अगर वाकई उसकी आवश्यकता है और उसके पास नहीं है, तो डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में ऐसे बहुत सारे सज्जन दानी लोग हमारे साथ आज खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कोई भी आए वो वापस नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके पास पैसे हो या नहीं हो। बड़ी सुविधा फरीदाबाद में आप समझ सकते हैं, और मानव विकास परिषद की ओर से, भारत विकास परिषद की ओर से ये बड़ी सेवा यहाँ शुरू की गई है। ऊपर के फ्लोर पर चलेंगे फरीदाबाद हम और देखेंगे कितने फ्लोर हैं टोटल, इसमें कितने स्क्वायर फीट एरिया है ये? भाई साहब 60,000 स्क्वायर फीट एरिया है और इसमें टोटल 7 फ्लोर है। अभी हम दूसरे फ्लोर में जा रहे हैं धीरे धीरे। ये 7 फ्लोर हैं इसमें? हाँ, बेसमेंट स्टिल्ट प्लस 5। तो धीरे धीरे अभी हम लोग इसको काम को गति दे रहे हैं और आने वाले 1 साल के अंदर इस सारे फ्लोर में कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और सेंट्रली एसी है फरीदाबाद, आप देख सकते हैं यहाँ भी वही ठंडक महसूस होती है और आपको अच्छा लगता है यहाँ आकर भी जी। तो पेशेंट तो नहीं है? ये देखें
ये देख सकते हैं सिटी स्कैन मशीन है। स्लाइस स्लाइस में कहते हैं 32 स्लाइस 32 स्लाइस लेटेस्ट जी कंपनी की है। और ये सिटी स्कैन मशीन में जो सेवाएं हैं जो टेस्ट है वो सिर्फ ₹1000 से हम शुरू करते हैं। अच्छा ₹1000 से। और बाहर मार्केट में क्या रेट है? आप ये मान के चलें ₹3000 से कम तो कहीं भी टेस्ट की कहीं भी नहीं है। ₹3000 से कम कहीं भी नहीं है पूरे फरीदाबाद में। और आप ये देखें बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ 32 स्लाइस की मशीन यहाँ मौजूद है जिसके माध्यम से यहाँ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये एक्सरे ये आप सौरभ जी देख रहे हैं ये डिजिटल एक्सरे है। ये बिल्कुल लेटेस्ट एक्सरे है 400 मिलियम्स का और इसमें सिर्फ हम ₹150 ले रहे हैं। यही डिजिटल एक्सरे अगर आप बाहर जाएं कम से कम मैं बता रहा हूँ ₹500 कम कहीं नहीं है। बिल्कुल लेटेस्ट है हमने उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अच्छा कई बार ये होता है आमतौर पर देखने में आता है कि जो ऐसे डायग्नोसिस सेंटर्स हैं उनके साथ डॉक्टर्स का कहीं कोई कट बना होता है कहीं, तो आम तौर पर डॉक्टर कह देते हैं कि अब वहाँ से करवा के लाए वो ठीक नहीं है और दूसरी जगह करवा लो इसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आती। इस तरह की भी षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है वैश्य समन्वय समिति की ओर से एक सेंटर शुरू किया गया था सेक्टर 16 में, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो बंद हो गया क्योंकि वहाँ पेशेंट ही नहीं आता था, डॉक्टर उसको मानने को तैयार नहीं थे वहाँ की रिपोर्ट्स को। सौरभ जी आपने बिल्कुल सही कहा, हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस तरह की सेवा केंद्र को स्थापित करना। पर क्या है कि हम प्रयास कर रहे हैं व्यक्तिगत लोगों से मिलना, संस्थाओं से मिलना, सोसाइटी के लोगों से मिलना, उनको यहाँ लेकर आना, उनको ये सेटअप दिखाना। मुझे पता है इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, ताकत भी ज़्यादा लगती है, पर क्योंकि ये करना है और मुझे पता थोड़ा समय लगेगा, पर जिस तरह से फरीदाबाद के समाज के लोगों ने हमें सहयोग दिया है, जिस तरह के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, बड़े से बड़ा उद्योगपति अपने घर के परिवार को लोगों को लेकर यहाँ पे अपना इलाज करा रहे हैं और गरीब से गरीब एक यहाँ पे इलाज करा रहा है, मुझे लग रहा है मैंने जैसे पहले कहा ये हॉस्पिटल नहीं इसको हम सेवा धाम बनाने वाले हैं। सेवा धाम बनाने वाले हैं, हॉस्पिटल नहीं है इसको सेवा धाम बनाने वाले हैं। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है जी। ये तो अभी कोई पेशेंट लेटा हुआ है मुझे लग रहा है। ओके। यहाँ पे अपना अल्ट्रासाउंड लेटेस्ट जी कंपनी का अल्ट्रासाउंड यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, जी कंपनी की ओर से अल्ट्रासाउंड के लेके जाता हूँ आई सेंटर में। ये भी हमारे एक स्टेट ऑफ आर्ट यूनिट है जहाँ पे अभी तक पिछले एक महीने में हमने 30 लोगों का आंखों का ऑपरेशन निःशुल्क किया है। और जिस तरह समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है, कोई भी आता है ये कह देता है कि 10 आंखों का ऑपरेशन मेरी तरफ से, 5 आंखों का ऑपरेशन अभी। तो यहाँ डॉक्टर स्वाति अग्रवाल होती हैं और ये अलग अलग प्रोसीजर्स है, अलग अलग आपने देखा होगा प्रोसेस है चेकअप करने के, और इसके अंदर हमारे आंखों का ओटी है, ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है 2, और एक माइनर एक मेजर। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर आप बोर्ड देखेंगे प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब एक बार पेशेंट का ऑपरेशन हो जाए तो उसको 3-4 घंटे उसको आराम की ज़रूरत होती है, तो हमने एक रिकवरी रूम बनाया हुआ है, ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर है, एक बार खोल के दिखा दें, अंदर तो मत जाइएगा, दिखा सकते हैं सर जी यहीं से दिखा दें एक बार जी, तो आप फरीदाबाद देख सकते हैं एक ऐसी सुविधाएं यहाँ। ये देखें बायोमेट्रिक एरिया। ओके, ये दिखा दें थोड़ा सा, तो लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं? हाँ, लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा फरीदाबाद में कोई भी उसका नाम जात पात कोई मतलब नहीं है, किसी को भी आंखों में कोई तकलीफ है वो सीधा रिसेप्शन में आए अपना चेक कराए और उसका ऑपरेशन निःशुल्क करेंगे। और ये लेज़र के लिए भी कुछ कर रहे हैं सर? हाँ, यहाँ पे एक मशीन बनाई हुई है, उस मशीन से क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सब मशीनों की अपने अपनी उपयोगिता है। क्या है मैं डॉक्टर साहब से भी एक बार आपका परिचय करा दूँ जी।
अच्छा फरीदाबाद हम लोग हैं सेक्टर 8 में सर्वोदय अस्पताल के ठीक सामने। अगर आप आएंगे तो वहाँ एक बड़ी ऊंची सी इमारत बनी है और डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र है, डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र है और यहाँ एक बहुत अच्छा अस्पताल शुरू किया गया है। इस अस्पताल की खास बात यह है, हम जैसा बार बार बता रहे हैं, अगर आप इसको समझें तो कुछ ऐसा समझ पाएंगे कि यहाँ जो सुविधाएं हैं वो बादशाह खान अस्पताल के मुकाबले बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ हैं। लेकिन अगर पैसे की बात करेंगे तो शहर के जो और बहुत सारे अस्पताल आपको दिखाई देते हैं उन अस्पतालों के मुकाबले यहाँ जो पैसे या फीस ली जाती है वो बहुत कम है। अभी जैसा राजकुमार जी हमें बता रहे थे, और हमारे साथ हैं स्वाति अग्रवाल, डॉक्टर स्वाति अग्रवाल और यहाँ आई सर्जन जी। हाँ जी, तो अभी कितने ऑपरेशन कर रहे हैं मैम? हम लोग 25 से 30 के अराउंड ऑपरेशन अभी तक कर चुके हैं और आगे भी लाइंड अप है सर्जरीज, तो एवरी वीक वी आर परफॉर्मिंग सर्जरीज, हर हफ्ते हम लोग कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ, हर हफ्ते कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। और डॉक्टर साहब से आप कुछ पूछना चाह रहे थे, जो मशीन्स लगी हुई है लेजर में भी कुछ कर रहे हैं? लेजर है और साथ में बायोमेट्री, जो लेंस जब ऑपरेशन करते हैं तो जो लेंस पड़ता है उसका नंबर कैलकुलेट करने की सुविधा, चश्मे का नंबर निकालना मैनुअली और बाय द रिफ्रैक्शनिस्ट, सारे चेकअप्स हैं इन जनरल, ऑफ्थैल पूरा स्क्रीनिंग, ग्लॉकोमा स्क्रीनिंग और फंडस इवैल्यूएशन, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सारी सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं जो आपको एक आधुनिक आंखों के अस्पताल में नजर आती हैं, वो तमाम सुविधाएं यहां मौजूद हैं और बहुत अनुभवी डॉक्टर यहां होते हैं। रेटिना से रिलेटेड ऑपरेशन होता है यहाँ? अभी नहीं, अभी उसमें समय लगेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा पर होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा सौरभ जी, सिर्फ 2 महीने पुराना हमारा केंद्र है, धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है हमें समझ में आ रहा है क्या आवश्यकता है यहाँ की शहर की, उसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारी नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। आने वाले 6 महीने में आपको यहाँ पे कीमो का आपको सेटअप नज़र आएगा, ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर लिया है। पर जैसा मैंने कहा हम लोग नए हैं इस फील्ड में, तो चीज़ों को समझ शहर के समर्थवान लोगों ने बड़ा दिल खोल के दान किया है, मैं उसके लिए पूरे फरीदाबाद के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हर तरह से तन मन धन से हमें सहयोग किया और उसका परिणाम ये है कि आपके सामने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम खड़ा कर। राजकुमार जी, आपकी भी बड़ी उपलब्धि है, आपने भी अथक प्रयास किया है, दिन रात लगे रहे हैं, जो आपकी और संगठनात्मक जिम्मेदारियां हैं उनके अलावा आप लगातार इस केंद्र को समय दे रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ बहुत समय से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन लगातार पता चलता रहा कि राजकुमार जी वहाँ कैसा डिज़ाइन बन रहा है, उसका क्या उसका आर्किटेक्ट बना रहे हैं, कैसा काम मिस्त्री मजदूर कर रहे हैं, वो सब में भी आपका लगातार सुपरविजन रहा है। और कुछ दिखाना चाहेंगे यहाँ राजकुमार जी? सौरभ जी, इसके ऊपर भी हमने एक फिजियो का सेटअप बनाया है, बहुत बेसिक है फिजियो का, पर फिजियो में भी अब जो जिस तरह के लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोग आईटी इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, बहुत सारा ऐसा काम है जो 12-12 घंटे बैठना पड़ता है, उससे कई सारी दिक्कतें भी आती हैं, तो उनको ध्यान में रख के हम फिजियो में न्यूरो ऐड कर रहे हैं, वो एक नया सेटअप हमारे लिए भी रहेगा, पर मुझे लगता है उसमें कम से कम हमें 3 महीने और लगेंगे। तो ENT का हम सेटअप लेके आ रहे हैं नया, पूरा ऑपरेशन थिएटर के साथ में, कई चीज़ें लाइंड अप है, जैसा मैंने आपको अभी सेटअप दिखाया है। पहले हमें हम सबका मन है कि इसको थोड़ा सा हम लोग संभाल लें और धीरे धीरे हम आगे बढ़ें ताकि हम अच्छी से बेहतर सुविधाएं दे पाए, हमें उसको बड़ा नहीं करना पर अच्छा करना है, हमने पेशेंट का जेब नहीं देखना, उसका दिल देखना है, तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो आपने कहा ये प्रयास भारत विकास परिषद के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का है, जिस तरह से कोरोना के बीच में ये भवन खड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हिम्मत समाज ने हमें दिया है जिसकी बदौलत से हम ये काम कर पाए। तो फरीदाबाद, आप समझें कि ये जो अस्पताल है, ये अस्पताल एक अफोर्डेबल हॉस्पिटल आप समझ सकते हैं, यहाँ जो सुविधाएं हैं, यहाँ जो टेस्ट हैं, यहाँ जो डायग्नोस्टिक होता है वो बाज़ार की कीमत से जो दूसरे अस्पताल हैं उनकी कीमतों के मुकाबले बहुत सस्ता है। और सेक्टर 8 में आप आएंगे सर्वोदय अस्पताल के ठीक सामने, आपको ये इमारत अभी निर्माणाधीन इमारत है लेकिन अंदर फिनिश करके कुछ फ्लोर्स पर ये सुविधाएं जुटा दी गई हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को यहाँ सेवा दी जा सके। औरतों के लिए भी कुछ कर रहे हैं सर? यहाँ यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं सुबह 9 से 11
डॉक्टर पंकज पोसवाल जी हैं, ओपीडी में बैठते हैं। और देखिए, एक ऑपरेशन को छोड़ के, क्योंकि कोई प्रोसीजर है, प्रोसीजर में एक हमारा एक माइनर ओटी तो बन गया है, कोई किसी को प्लास्टर वगैरह कराना है या किसी को एक्सरे कराना है वो तो ठीक है, पर हम फुल फ्लेज ऑपरेशन अभी नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है वो जून एंड तक हमारा ओटी पूरा प्रॉपर तैयार हो जाएगा, तो उसमें छोटा मोटा हम ऑपरेशन भी कर पाएंगे, वो भी कर पाएंगे। तो फिर भी फरीदाबाद जो सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं वो भी कोई कम सुविधाएं नहीं हैं, और आप अगर फरीदाबाद में रहते हैं तो आप बीमार नहीं भी हैं तो भी एक बार आकर इस संस्थान को विजिट करें, ताकि आप अपने आस पड़ोस के ऐसे लोगों को जो, और जैसा कि अभी राजकुमार जी बता रहे थे, इसको लेकर ना सोचें कि ये गरीबों का अस्पताल है, ये ऐसे ही लोगों का जो वंचित तबके के लोग हैं उन्हीं का अस्पताल है, ये एक आम लोगों के लिए, मतलब आम लोगों के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर अपना इलाज करा सकता है और अपने आप को यहाँ स्वास्थ्य लाभ पा सकता है। मैं सौरभ जी आपके माध्यम से, वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से पूरे फरीदाबाद निवासियों को निवेदन करूँगा कि ये समाज का प्रोजेक्ट है, ये भारत विकास परिषद ने बनाया जरूर है, हर वर्ग के लोगों को ये काम आए ऐसा मेरा सोचना है। आप लोग के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रचार प्रसार करें, और इसका मूल कारण ये है कि इसका लाभ ज़्यादा लोगों को मिले, ऐसा मेरा निवेदन है। शहर के ऐसे लोग जो मानवता के बारे में सोचते हैं, उन्होंने भारत विकास परिषद के साथ मिलकर इस अस्पताल को यहाँ स्थापित किया है, और जैसा राजकुमार जी बता रहे थे कि लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, शहर के लोगों ने। और फरीदाबाद ऐसे समय में जब बहुत बड़े बड़े मंत्री, बहुत बड़े बड़े नेता अपने आप को निजी अस्पतालों के साथ जोड़ रहे हों, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हों, ऐसे समय में बहुत आवश्यकता है इस शहर को सरकारी सुविधाओं के अच्छे हो जाने की, या इस तरह के जो बहुत मिनिमम खर्चे वाले अस्पतालों की, जो बिल्कुल नाम मात्र का पैसा लेकर लोगों को आरोग्य दे रहे हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।